वेलकम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में ऑर्गेनिक प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ एसिटेनिलाइट फ्रॉम एनिलीन एनिलीन से एसिटेनिलाइट का बनाना जितने भी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स आपको वीडियो ऑनलाइन माध्यम से करवाए जा रहे हैं समझाए जा रहे हैं उन्हें केमिस्ट्री लैब में ही हम कुछ दिन पश्चात परफॉर्म करेंगे इन्हें घर पर बिल्कुल नहीं करना है बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हार्मफुल हैं जिनसे एक्सीडेंट हो सकता है आग लग सकती है जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हैं जैसे कि फ्यूमिंग चैम्बर में परफॉर्म करते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन हो ऐसी जगह पे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जाता है तो आप इन्हें केमिस्ट्री लैब में ही करेंगे कुछ दिन बाद इन्हें घर पर बिल्कुल करने की कोशिश ना करें एक्सीडेंट हो सकता है आग लग सकती है आज देखते हैं एनिलीन से एसिटेनालाइट का बनाना प्रिपरेशन ऑफ एसिटेनालाइट फ्रॉम एनिलीन एनीलीन का एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटिलीकरण करने पर एसिटेनिलाइड बनता है एसिटेनिलाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनीलीन व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एसिटाइलेशन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल अमिनो ग्रुप बाय एसिटाइल ग्रुप इज नोन एज एसिटाइलेशन Acetylation can be achieved by many methods. Here we will study only one method. That is by a mixture of acetic anhydride and acetic acid. In this method, the compound is refluxed for 10 to 15 minutes with a mixture of acetic anhydride and acetic acid, and the hot solution is poured into ice cold water to get the desired product. Acetylation is very important reaction as it is used to identify and confirm the presence of hydroxyl and primary or secondary amino group. Acetylation is useful in protection of hydroxyl and amino groups. So let us study this reaction in, in detail. The equation is written here. The reagents required for the reaction are aniline 5 acetic anhydride 5 ml glacial acetic acid 5 ml and required quantity of ice. In the figure you can see how to set up the apparatus for the preparation of this reaction. So have a look टरी में इस तरह से आप एपरेटस सेट कर सकते हैं आइए इसको समझते हैं लेट अस स्टडी दिस जो एपरेटस उपकरण हमें चाहिए राउंड बॉटम फ्लास्क पैदे का फ्लास्क हंड्रेड एम एयर कंडेंसर, वायु संघनित्र अबीकर वॉच ग्लास Funnel, filter paper, etc. So let us study the procedure now. Take 5 ml of aniline, 5 ml of acetic anhydride, and 5 ml of glacial acetic acid in a 100 ml round bottom flask. Shake the reaction mixture thoroughly and then reflux it gently for 15 minutes. Using air condenser, pour the hot mixture with constant stirring to 100 mL of ice-cold water in a beaker. Filter the product and wash with water. Recrystallize the crude acetanilide from boiling water. the result white shining crystals of acetonitrile are formed the yield is around 5 grams melting point is 114 degree centigrade आइए एनिलिन से एसीटनिलाइड का बनना समझते हैं सो आयमल के गोल पेंदे के फ्लास्क में 5 मल एनीलीन, 5 मल एसिटिक एनहाइड्राइड और 5 मल ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेते हैं। फ्लास्क में वायु संघनित्र लगाकर लगभग 10 से 15 मिनट तक इस मिश्रण को धीरे-धीरे उबालते हैं। उसके बाद इस मिश्रण को एक बीकर में लिए गए हंड्रेड एम एल हिम शीतित जल में उड़ेल देते हैं बीकर में सफेद रंग का ठोस पदार्थ पृथक हो जाता है अब इस ठोस पदार्थ को छानते हैं और जल से धोते हैं इस ठोस पदार्थ को उबलते हुए जल की न्यूनतम मात्रा में घोल लेते हैं कमरे के ताप पर ठंडा करने पर हमें श्वेत चमकदार क्रिस्टल प्राप्त होते हैं क्रिस्टल को छानकर फिल्टर पत्र पर सुखा लेते हैं रिजल्ट परिणाम हमें एसेटेलाइट के श्वेत चमकदार क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिनकी लब्धी लग लगभग पांच ग्राम है और गलनांक एक सौ चौदह डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से आज हमने देखा लेबोरेटरी में हम किस तरह से एनिलीन से एसिड बना सकते हैं एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है आप सबसे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स अभी तक हमने ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाए हैं उन सभी को केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की फाइल बनानी है नोटबुक बनानी है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की और उसमें आपको सबको लिखना है